बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपराध पर तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब एनकाउंटर मॉडल चलेगा। विजय सिन्हा ने कहा कि ये बिहार मॉडल है, बिहार में 2005 से ही एनकाउंटर चल रहा है, जो भी अपराध करेगा उसका एनकाउंटर होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। जो बीज बोए उनके माता पिता ने 2005 से 10 में एनडीए सरकार ने, उस बीज के जो फलदार वृक्ष बन गए थे, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चला रहे थे, नरसंहार का माहौल खड़ा किए थे, हम लोगों ने उसे खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन बीच बीच में ये समाजवादी का पुत्र बन करके आकर के सत्ता में फिर से उस बीज को बोने का काम किया है। उस बीज से जन्मे हुए पेड़ को हम सब एनडीए गठबंधन के लोग अपने नेता के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू कर दिए हैं अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाने का, ये नेता प्रतिपक्ष। तो ये बड़ा बयान विजय सिन्हा का, बिहार में अपराधियों को ये बड़ी चेतावनी। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह जवाब दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, एनकाउंटर को लेकर अब बड़ा बयान दिया है विजय सिन्हा ने। उन्होंने कहा है कि साल 2005 से 2010 के बीच बिहार में अपराध को कम करने के लिए एनकाउंटर का मॉडल सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया, और लगातार जिस तरह से विपक्ष बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठा रही है, उस पर भी विजय सिन्हा ने अपना ये करारा जवाब दिया है। चलिए तो सहयोगी गौतम से जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां अपराधियों को सरकार की ये चेतावनी है कि अगर आपने अपराध किया तो आप बच नहीं सकेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लगातार विपक्ष के आरोपों का, विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, अपराधियों को ये खुली और बड़ी चेतावनी है कि अगर आपने अपराध किया तो आपका एनकाउंटर होगा। साथ ही विजय सिन्हा ने यह भी बताया है कि साल 2005 से 2010 के बीच सबसे पहले एनकाउंटर मॉडल बिहार में शुरू हुआ। और देखिए, एक बड़ा बयान है विजय कुमार सिन्हा का। उन्होंने साफ संदेश वैसे तमाम अपराधियों को दिया है जो किसी न किसी तरह से बिहार में अपराध के मंसूबा को जो है अंजाम देने में जुटे हुए हैं। विजय कुमार सिन्हा ने यह कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी एनडीए की जो सरकार 2005 से बनी है, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनकाउंटर मॉडल पर जो है वो काम किया है। पुलिस पदाधिकारियों को जो है उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए बिहार में कानून का पालन कराया। देखिए, 2005 से पहले क्या हाल था, उन तमाम चीजों पर भी उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि जिस तरह से 2005 से पहले जो काम होते थे, बिहार की जनता उन चीजों को देख चुकी और देश की जनता बिहार के बारे में वो अच्छी तरह से जानती थी। जंगल राज के नाम से जो है वो समय जो है परिभाषित होता था, मगर अब जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जो काम जो उन्होंने किया है, योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में तो जो है अभी कुछ समय से लागू हुआ है, मगर जिस तरह से 2005 से बिहार में एनकाउंटर का जो है शुरू हुआ समय है वो लगातार जो है जारी है। क्योंकि अपराधियों को जो है कहा जाता है कि ये नकेल कसने के लिए बेहद जरूरी था, जो खूंखार अपराधी थे या किसी तरह से अपराध के अपराध को करने में जो है लगातार जुटे हुए रहते थे, तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होती थी, जिसका अंत नतीजा है कि बिहार में आज कानून का शासन है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।